हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं जा रहा हूं दवाई लेने। हमारी बिट्टू रानी अप्पू की तबीयत हो गई है ख़राब और अप्पू को हो गया है बुखार, तो अप्पू जा रही हैं दवाई लेने। और अप्पू इंजेक्शन लगवाएगी? नहीं। लगवाएगी तो नहीं। डर लगता है क्या? सब देख रहे हैं क्या कहेंगे, ये इंजेक्शन से डरती लड़की। तो दोस्तों, सुबह सुबह इसे बुखार आ गया, रात में बहुत तेज़ बुखार था, तो मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास दवाई दिलवाने। और दोस्तों, इस समय बहुत ज़्यादा बुखार चल रहा है और वायरल चल रहा है, तो सभी लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें और साथ ही साथ रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, क्योंकि मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और बरसात ना होने की वजह से भी कई सारी बीमारियाँ फल फूल रही हैं। तो विशेष ध्यान दें इन सब चीज़ों का। गर्मी का मौसम है और धीरे धीरे अब हम लोग गुलाबी ठंड की तरफ पड़ रहे हैं, मौसम आ रहा है ठंडा। एक महीने की बात है, थोड़ा सा केयर कर लें। मेरी थोड़ी सी असावधानी के कारण मेरा बच्चा बीमार हो गया, तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं डॉक्टर साहब के घर पर और ये लंबी सी गली है, इसके अंदर उनका बड़ा सा आलीशान मकान बना हुआ है और हम पहुंच गए हैं उनके गेट की तरफ। लगभग गेट के अंदर ही पहुंचने वाले हैं और ये मिलते हैं ताऊ जी। कहाँ है ना ताऊ जी? अच्छा अच्छा, कहाँ ना? अजय प्रताप आए बाहनपुर से। तू तो दे देते थोड़ा बोलना है। देखा अब बुखार, रात में से बहुत तेज बुखार आया। हाँ, ठंड लगी, बोली पापा अब कूलर चलता है, तो ठंड जो है कूलर चलवाती है ठंड लगी से। हाँ, खांसी से दर्द खांसी भी आ रही है। हाँ ठीक है, तो लगवाई नहीं है तो तय करके आ दी इस बेटी। बताओ बुढ़ी बात बताओ, इधर करो। हल्की ठंड लगी, तेज नहीं लगी था जी, तेज नहीं लगी थी। बाबू क्या कर रहा है? बाबू बाबू ले, बाबू ले, बाबू क्या कर रहा है? बाबू क्या कर रहा है? ए बाबू, हंस के दिखाओ, हंसो।